नमस्ते बच्चों, मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार हम जब पढ़ते हैं साइंस की बुक पढ़ते हैं तो वर्ड आता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, देखिए। अब मेरा नाम क्या है, राहुल मानकर। अब राहुल मेरा नाम है और मेरा सरनेम जो है वो मानकर है, तो वो जब कॉम्बिनेशन में आता है तो हम बोलते हैं कि ये नाम हो गया, कोई पूछता है तो। देखिए उसी प्रकार से जब हम केले खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक डजन दे दो। एक डजन यानी 12 हो गए, ठीक है। एक और डजन इसमें क्या है, वन एक वैल्यू है और डजन क्या है, एक यूनिट है। उसी प्रकार जैसे हम मास की बात करते हैं, हम किसी को पूछते हैं कि तेरा मास क्या है, मास क्या है, तो हम बोलते हैं 4 kg। अब इसमें एक वैल्यू है और एक यूनिट है। लेंथ की बात करें तो 5 feet 10 feet, इसमें एक वैल्यू है और एक यूनिट है। तो इसको जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, यानी एक वैल्यू और एक यूनिट, तो उसको टोटल, उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया बच्चों? जैसे मान के चलो कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते 5 है 6 है 7 है, ऐसा नहीं बोलते। तो हम बोलते हैं 37 degrees Celsius या फिर 101 degree Fahrenheit। तो ये एक वैल्यू है और ये यूनिट है। तो जब वैल्यू और यूनिट जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम बोलते हैं 36 degree Fahrenheit, ठीक है। तो एक वैल्यू और एक यूनिट जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड।